हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका ई एम आर एस का एग्जाम होने वाला है कल के दिन, जो आपका किस किस का होने वाला है। एक तो हॉस्टल वार्डन का होने वाला है आपका, और एक आपका जे एस ए का एग्जाम होने वाला है। हॉस्टल वार्डन का आपका जो एग्जाम है वो कल मॉर्निंग में होने वाला है, और जे एस ए का आपको कल इवनिंग दोपहर की शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या रणनीति रहनी चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ पेपर में और आपके यहाँ पर चांसेस की जो है 100% सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पेपर को करने का सही तरीका क्या रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग को कैसे दूर करें, पेपर में एक्यूरेसी 100% कैसे रखी जाएगी, सारा कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, अगर इस तरह से पेपर करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर यहाँ पर गेन करने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा। ओके, चलिए तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट कर लिया है कि हॉस्टल वार्डन में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन में यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने हॉस्टल वार्डन लिख लिया है, और यहाँ पर मैंने उसके सारे सब्जेक्ट लिख लिए हैं कि क्या क्या आपका पूछा जाने वाला है, और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। पर दोस्तों, उससे पहले बता दूँ, देखिए मैंने आपके लिए अभी कंप्यूटर के 200 क्वेश्चंस की लाइव अभी आपकी क्लास ली थी, तो ये एक बार जाके अगर आप देख सकते हैं तो इसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बची हुई जो पीडीएफ थी है ना, लगभग शायद 300-400 क्वेश्चन और रह गए थे, मैंने लगभग 800-900 करा दिए थे, तो वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी, वहाँ से ले लेना। ये वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, है ना। अगर आप मतलब ये ओ एम आर जो सीट है वो किस तरीके से भरनी है, अगर आप ये एक गलती कर देंगे तो पूरा पेपर आपका रखा हुआ रह जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड के साथ क्या इंपॉर्टेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, पेन पेन बोतल पानी जो भी ले आना है, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह क्या है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। चैनल पर आपको सभी मिल जाएगी है ना, पीडीएफ वगैरह यहाँ मिल जाएगी, और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए तो आप देख लेते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली। ओके, चलिए यहाँ से हम पेन ले लेते हैं इसमें, चलिए पेन को लेते हैं, ये लीजिए। और कल जैसे ही आपका जो एग्ज़ाम है ना, कल एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट होगी, तो मॉर्निंग शिफ्ट के बेसिस पर जो भी आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसमें पूछा जाएगा वो हम जैसे के लिए करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीच में हमें लगभग 1 से 2 घंटे का गैप यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 1 से 2 घंटे का, तो अपना नेट चालू रखिएगा। ठीक है, वीडियो के लिए मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, तो वहाँ अपडेट देखते रहिएगा, है ना, जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत दे दूँगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपका सुबह हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है सुबह। ठीक है, चलिए तो उसमें क्या करना है, देखिए आपके 6 सेक्शन है, जीए है, रीजनिंग है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, पॉक्सो एंड अदर एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मान के चलिए मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या क्रम रहेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये पेपर आएगा उसमें कौन इनमें से कौन सा सेक्शन है जो हमारा पहले खुलने वाला है, मुझे नहीं पता। मान के चलिए एक बार को हम मान लें कि जीए पहले खुल गया, जीए पहले खुल गया है ना, जीए फर्स्ट पे है ना, सेकंड पे आपको मान के चलो इंग्लिश खुल गया, फिर तीसरे पे हिंदी खुल गया, चौथे पे आपका मान के चलो मैथ्स खुल गया, पांचवे पे आपका रीजनिंग खुल गया, छठवे पे आपका कंप्यूटर खुल गया। तो मान के चलिए ये क्रम रहा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो आपको क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करना है कि यार मेरा तो कंप्यूटर स्ट्रांग है तो सबसे पहले कंप्यूटर कर लेता हूँ जाकर लास्ट में। ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर आपका ऑफलाइन है तो आपके हाथ में पेपर है, आप पन्ने पलट के देख सकते हैं कहीं भी, बट मैं इस तरीके को क्यों गलत मान रहा हूँ अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मान के चलिए कोई कहेगा मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग पहले कर लेता हूँ, नहीं करना, ये तरीका नहीं अपनाना। मान के चलिए पेपर पेपर वाले ने पेपर सेट किया तो उसने एक नंबर पर जीए रखा, 2 नंबर पर रीजनिंग रखा, 3 पर ये रखा, 4थे पर ये रखा, 5वें पर ये, 6वें पर ये। अब आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये पैटर्न क्यों नहीं अपनाना है तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए मान के चलिए सबसे पहले आपका जीए खुला, बट आप सोच रहे हैं कि यार नहीं मेरा तो यार ये इसमें मैथ्स आने नहीं वाला, मेरा जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, पॉक्सो एंड अदर एक्ट मेरे को अच्छे से आता तो सबसे पहले मैं ये करूँगा। अब आप करने पहुँच गए, ये वहाँ पर क्वेश्चन लिखा था, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 10 नंबर का तो 55 तक गया। अब क्या हुआ इसमें दोस्तों, आपने 45 कर लिया, बट जब आप आंसर शीट भरने आएंगे ना वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखिए ये है आपकी ओ एम आर शीट, ठीक है, ओ एम आर शीट है, जूम हो सकती है क्या, जूम तो नहीं होगी शायद, है ना, चलिए ये जूम नहीं हो सकती है, मैं देखता हूँ इसको करने की, स्क्रीन ब्लैक और नहीं होगी, है ना, चलिए स्क्रीन ये इससे जूम नहीं होगी। ठीक है, तो मान के चलिए आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए आप जो है, आप मान के चलिए 45 से आपने स्टार्ट किया, तो ये है 45। देखिए आपको इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, फिर ये 45 है तो 45 आपने लगा दिए, 46 लगा दिए, है ना, 47, फिर हो सकता है कि आप मैंने एक में एक बीच में से छोड़ दिया आपने, तो पूरा आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा, तो इसलिए मना कर रहा हूँ कि बीच बीच में। फिर आप मान के चलिए पहले आपने ये कर लिए 45 से 55, फिर सोच रहे कि लास्ट में चले ये कर लेता हूँ, भाई एक भी अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया यहाँ पर
तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ दैट इज वो ये है कि देखिए आपको करना है, गो थ्रू करना है एक से लेकर जीए खुला, तो मान के चलिए जीए के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको शुरू से करना है, एक करेंगे फिर दो फिर तीन फिर चार, है ना, फिर करेंगे 5 नंबर फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10। इस तरीके से आपको मान के चलिए जीए के 10 क्वेश्चन, तो जीए के 10 क्वेश्चन देखना है। अब किस तरीके से करना है देखिए, मान के चलिए पहला क्वेश्चन खुला, आपको पहला क्वेश्चन आता है, आपने यहाँ पर जो है उसको डायरेक्ट आंसर शीट OMR शीट बगल में रखेंगे, एक एक नंबर मालूम है, आपने आंसर टिक कर लिया अपने पेपर में, ठीक है, और फिर OMR शीट में जो था आपका एक नंबर था ना, उसमें गोले लगे थे 4 ABCD करके, तो आपने एक नंबर का ए ऑप्शन भर दिया, ठीक है। फिर दूसरा आया, दूसरा भी आता तो आपको, तो दूसरे का आपने बी नंबर भर दिया। फिर तीसरा खुला, तो तीसरा आपको नहीं आता था, तो दोस्तों अगर नहीं आता ना छोड़ दो भाई, तुरंत क्या कर दो छोड़ दो, अपना तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि ये बैठा है देखो नेगेटिव मार्किंग बैठी 0.2 आ गई, तुक्का मत लगाइएगा। तो ऐसे ही आप 1 से लेकर 10 तक गए तो आपको बीच में से 4-5 क्वेश्चन छोड़ने पड़े, छोड़ देना तुक्के मत लगाना। 50% भी अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा कि दो ऑप्शन में डाउट है तब भी मत लगाना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती है, ठीक है, फिर भी मत लगाना। मैं अभी बताऊंगा कैसे आपको तुक्के लगाना है, ठीक है। जो 50% वाला डाउट है ना उसको क्या अपन किसी किसी चीज़ से मतलब ऐसे पॉइंट लगा देना उस पर, है ना, मतलब पेपर में ऐसा पॉइंट लगा देना कि इसको मुझे मतलब 50% डाउट में, तो बाद में आके देख लेंगे। तो 1 से 10 तक गए, फिर मान के चलिए कि 11 से लेकर 20 तक आपकी रीजनिंग थी, फिर आप रीजनिंग पर चले गए, जिससे क्या हुआ एक क्रम बना रहेगा और आप गोले गोले करते जाएंगे। दूसरी चीज, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपको मतलब बीच बीच में 3 नंबर नहीं आया, 8 नंबर नहीं आया, 15 नंबर नहीं आया, इनको छोड़ देना, तुरंत छोड़ देना। और होगा क्या, ऐसे करते करते आप जाएंगे तो एक से आप 120 नंबर तक क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, और आप देखेंगे कि मुझे 30 क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं, और पूरा पेपर आपका एक गो थ्रू में हो जाएगा। वहीं अगर रीजनिंग की बात आएगी तो कोई नहीं, क्वेश्चन काफ़ी टफ भी हो सकते हैं, ईजी भी हो सकते हैं। टफ क्वेश्चन जैसे देखिए आपको लगता है कि जो मुझे आता है, तो आप उसको तुरंत छोड़िए, सबसे पहले पेपर कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो करना ही, जो आपको आता है वो, अब उसमें आता है और वो टाइम टेकिंग है तो उसको भी आपको लेफ्ट करना है। वो हम कब करेंगे, वो हम जब दोबारा गो 1 से 20, 1 से 120 तक हमने कर लिए स्टार्टिंग से, फिर हम जब लौट के आएंगे ना दोबारा से, फिर देखेंगे कि जो 50% वाले उसको टिक करना है नहीं करना है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि नहीं करें, अगर करना भी है तो फिर बाद में करें। और दूसरा फिर रीजनिंग पे आए तो ये कोई टॉपिक था 20 नंबर क्वेश्चन था, मैं टाइम टेकिंग था, तो हम उसको बाद में करेंगे, क्योंकि अगर पहले कर दिया और मान के चलिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन थे तो हम वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे ना। तो जब हम दूसरे गो थ्रू में आएंगे, दूसरी बार में आएंगे, तब हमको क्या करना है, इससे छिड़कानी करनी जो हाई जो हमारे टफेस्ट क्वेश्चन थे, तो पहले एक गो थ्रू में पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर दूसरे गो थ्रू में जो जो हमने छोड़े थे वो करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये रहेगी आपकी किसकी, हॉस्टल वार्डन की रणनीति। अगर हम बात कर ले जेएसए में क्या सीन रहने वाला है, तो जेएसए में मान के चलिए देखिए यहाँ से, हाँ दोस्तों ये वाला रामबाड़ वीडियो वगैरह तो मैंने बता ही दिया, 1 सेकंड हो गया। चलिए यहाँ से देखिए अब जेएसए में क्या करना है, शाम को अपना जेएस होगा, मान के चलिए एक नंबर पर मैथ्स खोल गया, तो मैथ्स में आपको मालूम है टोटल कितना 20 आने वाला है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं शायद, तो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना, 20 आने वाले, 30, 20 ही आने वाले, ओके ठीक है। तो मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 तक ही लिख रहा हूँ। मान के चलिए पहला क्वेश्चन खुला आपने कर लिया, दूसरा खुला आपने कर लिया, तीसरा आपको नहीं आता तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, हम बाद में आके देखेंगे, ठीक है। चौथा आपने कर लिया, पांचवा आपको नहीं आता छोड़ दिया, छठवा कर लिया, अब क्या हुआ 7 8 9 क्या टफ क्वेश्चन आ गए, टफ है ना, आपको आपको आते हैं क्वेश्चन, आपको आते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है यार कम से कम 2 से 3 मिनट का आएगा, 5 मिनट तक आएगा, छोड़ दो है ना, इसको छोड़ दो, अपन को आते हैं छोड़ दो, है ना। फिर अब जब हम क्या करेंगे, मतलब हमें टाइम बचाना है स्टार्टिंग में, कैसे भी करके हमें पूरा पेपर एक बार में कर लेना है, तो हम इसको छोड़ के चले गए और हमने 10वां नंबर आया था, 10वां कर लिया। इसी तरीके से फिर रीजनिंग खुला मान के चलिए 11 से लेकर 20 तक, फिर रीजनिंग में कोई 15 नंबर का क्वेश्चन टफ आ गया तो उसे हमने छोड़ दिया, हमको वो पेपर क्वेश्चन आता है, हमें ये भी पता है कि टाइम टेकिंग है, उसको हम छोड़ देंगे, जो आता है उसको तो करना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे करते करते पहुँच गए लास्ट में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1 से 130 तक हम एक बार कर चुके, फिर हम दोबारा से 1 से स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन ढूंढेंगे जो हमने छूट गए, जैसे 7 8 9, फिर हम 7 पर टाइम देंगे ना, टाइम देख के हम 7 पर टाइम देंगे, 8 पर टाइम देंगे, 9 पर टाइम देंगे और उसको कर लेंगे। और देखिए मैथ्स और रीडिंग में क्या करिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शन की मदद भी लेनी पड़ेगी। देखिए टाइम बहुत है आपके पास, टाइम 2.5 घंटा है, तो ऑप्शन की मदद लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन कोई क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं मिलना, गलती हुई बाद में करना, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन का यूज़ वगैरह ये सब बाद में, पहले जो आते हैं तुरंत करते जाएगा। 100 130 तक हमें क्वेश्चन करने, हो सकता है आगे सिंपल क्वेश्चन हो और आप मैथ और रीडिंग ही करते रहेगा और आप पूरा क्वेश्चन आपका पेपर छूट गया, तो ये मत करिएगा। दूसरा कि जब सेकंड गो थ्रू में आप जाएंगे, सेकंड टाइम में आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पर कुछ जैसे 7 8 9 है, तो अगर जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं ना, तो क्या करिएगा, इनमें ऑप्शन का यूज़ लीजिएगा कि ए ऑप्शन को चेक करता हूँ, बी को, सी को, डी को, क्योंकि टाइम बहुत है, तो इनको चेक कर करके देख लेना, तब भी आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जीए वगैरह में देखिए
टाइम बहुत है, तो हर क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकंड जरूर दीजिएगा, जिससे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा हो और एक बार में आपको नहीं आ रहा, तो दोबारा क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर में होता क्या, वो देता है पेपर, क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट उसको लैंग्वेज लैंग्वेज में डाल देता है तो पेपर टफ हो जाता है। तो वहाँ पर क्या करना, लैंग्वेज को आप डिकोड करने की, बहुत एक बार में नहीं आ रहा समझ में, दूसरी बार पढ़िएगा, टाइम बहुत है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे तो आपके यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि आपके मैक्सिमम स्कोर बन जाए, यानी कि 1 से हमने 130 तक एक बार पेपर कर लिया, जो हमने ईजी ईजी लगे फटाक से, मान के चलिए बीच में 30 क्वेश्चन छूट गए, फिर हम सेकंड गो थ्रू में आए तो उसमें से भी हमने लगभग कितने 10 क्वेश्चन और कर लिए, फिर 20 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जो मतलब हो ही नहीं रहे, हमसे आ ही नहीं रहे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 5 से 6 जिसमें आपको लग रहा होगा 50% हमें डाउट है कि एक और दो ऑप्शन में हमें डाउट लग रहा है, तो फिर आप इनमें तुक्का लगा सकते हैं उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें मत छूइएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, तो ये रहेगी कुछ आपकी रणनीति एग्जाम को हल करने की। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ये वाले वीडियो जरूर देख लेना, कंप्यूटर का OMR शीट किस तरीके से भरे, एडमिट कार्ड में क्या लेके आना ये, ठीक है। और अभी दोस्तों इसके बाद एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना अटेम्प्ट करना सही रहेगा, ठीक है, कितना मतलब कितना स्कोर हम कर सकते हैं एग्जाम में तो वो सही रहेगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।